हे एवरीवन, दिस इज रितु एंड आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि काफ़ी सारे एग्जाम्स आने वाले हैं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का एंड दिल्ली पुलिस ड्राइवर का। सो आप लोगों की कमेंट्स को देख के यही लगता है कि सब लोग प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं और जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनको भी बहुत सारा बेस्ट ऑफ लक एंड बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे वो लोग भी। उनका एग्ज़ाम भी जनवरी में तो फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और अप्रैल तक उनका भी एग्ज़ाम हो जाएगा। सो आप लोग के कमेंट्स को देख के लगता है कि काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन चल रही है और आप लोग काफ़ी अवेयर हैं जॉब को लेने के लिए। सो बहुत सारे कमेंट्स में से मोस्टली कमेंट्स दिल्ली पुलिस ड्राइवर के लिए आ रहे थे और काफ़ी सारे लोग इंडिविजुअली इंस्टाग्राम पे भी कमेंट्स कर रहे थे कि ये मैथ्स कैसे पढ़ी जाए इसमें ड्राइवर पार्ट्स के लिए भी। सो मैंने सोचा कि इंडिविजुअल बताने से बढ़िया है कि एक कंप्लीट वीडियो बना देती हूँ जिसमें आपका सारा सभी को पता लग जाएगा दिल्ली पुलिस ड्राइवर के लिए। सो आज मेरी जो वीडियो है वो इसी के ऊपर है। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड आज बात करते हैं हम लोग दिल्ली पुलिस ड्राइवर के लिए। बहुत सारे कमेंट थे इसलिए ये वीडियो है आप लोगों के लिए। इसमें बेसिकली आपकी 90 मिनट्स का टाइमिंग है और 100 नंबर की आपकी पूरा टोटल क्वेश्चन पेपर आएगा जिसमें से 50 नंबर का ड्राइविंग पार्ट है और मतलब ड्राइवर पार्ट है जिसमें ड्राइवर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के, ठीक है। और इसमें रीजनिंग है 20 नंबर की और 20 नंबर की GS है और 10 नंबर का आपका मैथ्स आने वाला है। अब मुझे मैथ्स के लिए कमेंट कर रहे थे कि मैथ्स कौन सी बुक से पढ़ी जाए दिल्ली पुलिस ड्राइवर के लिए और रीजनिंग के लिए किस तरीके से पढ़ें, GS के लिए क्या पढ़ें, करंट अफेयर इनफ होगा या नहीं होगा। सो पहले हम लोग करंट अफेयर GS को ही उठाते हैं, ठीक है। GS में क्या होता है, बेसिकली आपका 20 नंबर का आने वाला है। इसमें आप लोग मोस्टली लोग ये सोचेंगे पूरे ऑल ओवर पेपर में से कि हम 50 नंबर का क्वेश्चन अच्छी तरीके से कर सकते हैं और अच्छी तरीके से अगर हम लोग उसको रटने की कोशिश करेंगे, ठीक है, वैसे उसमें याद करने वाली चीज़ें ही है, लेकिन सब लोग क्या करेंगे, मेन जो अपना फोकस बनाएंगे वो 50 नंबर वाले पार्ट पे बनाएंगे। लेकिन ये गलत है, आप 50 नंबर पे फोकस बनाइए लेकिन उसके साथ साथ आप लोगों को मैथ्स रीजनिंग और GS भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि कंपटीशन आप लोगों को पता है कितना ज़्यादा हाई होता जा रहा है और हाई है इसमें भी, काफ़ी सारे फॉर्म्स अप्लाई हुए थे। सो उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ कि आप लोग पे हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं GS से, ठीक है। GS में आप लोगों की 20 नंबर का है जिसमें से आपके 5 से 7 क्वेश्चन आप लोगों को करंट अफेयर के देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आपको 2 से 4 क्वेश्चन आप लोगों के पॉलिटी एंड फिर स्टेटिक जी के क्वेश्चन आ जाएंगे 2 से 3 और ज्योग्राफी के आ जाएंगे 2 से 3 और हिस्ट्री के आ जाएंगे। ऐसे मिला के आप लोगों का 20 नंबर का क्वेश्चन 20 नंबर का जो क्वेश्चन पेपर है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब आप लोग ये सोचेंगे इसमें हम लोग इतना पूरा सब कुछ कैसे पढ़ें, ठीक है। सो मैं मेन एक चीज़ बता देती हूँ आप लोगों को, जो मैंने आपको हर बार बताई एक बुक स्पीडी के अंदर क्या होता है, बहुत सारा मटेरियल होता है आपका, ठीक है। आजकल क्या होता है, क्वेश्चंस जो नए क्वेश्चंस आते हैं वो अगर पॉलिटी में ही पूछ रहा है तो वो करंट से रिलेट करके पूछ लेते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी पॉलिटी आपको हिस्ट्री में जाने की ज़रूरत है, उसकी पॉलिटी मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो आप लोग एक काम कर सकते हैं, पहले तो स्पीडी लेकर आइए लास्ट 6 मंथ की, ठीक है। जब आपका एग्जाम हो उसे लास्ट 6 मंथ की या 1 ईयर की आती है वो आप लोग लेकर आ सकते हैं। उसमें आपके स्पोर्ट्स के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, करंट अफेयर के क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। और आप लोग उसको प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा वो भी कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को उसमें ज्योग्राफी रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, ठीक है। हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन एक दो मिल जाएंगे आपको और पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। उसके बाद आपके पास लूसेंट तो है, लूसेंट आप मुझे लगता है कि बहुत से लोग पढ़ते भी हैं अभी उसको, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें से कंप्लीट हो भी चुकी है, ठीक है। आप लोगों को लूसेंट बार बार रिवाइज़ करने की ज़रूरत है, जितना ज़्यादा आप एक बुक को रिवाइज़ करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी शार्पनेस बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी, ठीक है। अलग अलग बुक्स में से पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है कि अगर दिल्ली पुलिस ड्राइवर की बात कर रहे हैं तो हम लोग अलग से कोई GS के लिए बुक लेकर, नहीं, अगर आप लोग लूसेंट पढ़ते हैं तो उसको बार बार रिवाइज़ करिए, उसमें अंडरलाइन करिए कि ये चीज़ मुझे दोबारा पढ़नी है, आपको इंपॉर्टेंट लगता है उस चीज़ को हाईलाइट करिए, नेक्स्ट टाइम दोबारा उसको रिवाइज करिए। इस तरीके से पढ़ी जाती है लूसेंट, ठीक है। अगर आप लोग बिगनर हैं तो भी आप लोग इस तरीके से पढ़िए और अगर आप लोग पहले पढ़ चुके हैं लूसेंट को तो उसको बार बार रिवाइज करिए, जो इंपॉर्टेंट आप लोग को लगता है उसको हाईलाइट करिए, उसके बाद उसी चीज़ को वापस रिवाइज करिए, वो आपकी मेमोरी बन जाएगी, ठीक है।
जी लूसेंट को पढ़ने का भी एक पैटर्न होता है कि आप इस तरीके से सीक्वेंस वाइज उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, ये आप लोगों को 20 नंबर अपने श्योर करने हैं कि आप लोग अच्छी तरीके से इसको पढ़ पाएंगे, और ये 20 नंबर आप लोगों के बहुत ज़्यादा मायने रखने वाले हैं क्योंकि एक्यूरेसी के ऊपर डिपेंड करता है। और बहुत से लोग सोचते हैं कि आएगा तभी देख लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लोगों को फाइनल सेलेक्शन लेना है, जॉब लेनी है, तो आप लोगों को कोई भी पार्ट नहीं छोड़ना है, चाहे वो 10 नंबर का हो चाहे 50 नंबर का हो। ठीक है, अब हम लोग आते हैं हमारी रीजनिंग के ऊपर। रीजनिंग मुझे लगता है कि मोस्टली लोग कर लेंगे और इसमें ज़्यादा किसी को दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि रीजनिंग में आप लोगों को प्रैक्टिस की ज़रूरत है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, आप लोग एक मॉक टेस्ट की बुक लेकर आ सकते हैं और एक प्रीवियस ईयर की लेकर आ सकते हैं। मैं आप लोग बताना भूल गई, स्टार्टिंग में बताना था मुझे, जो आप लोग जब डेली इसका ड्राइवर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोगों को पहले प्रीवियस ईयर में जो आए क्वेश्चन है अभी तक वो आप लोगों को निकलवाने हैं, या फिर आप लोग गूगल से भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को पैटर्न समझना है कि उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे, जीएस के क्वेश्चंस देखने। वैसे अब जो पैटर्न है वो जीएस का तो चेंज हो चुका है क्योंकि उसमें करंट रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछने लग गए। ठीक है, सो प्रीवियस ईयर से आप उसको कंपेयर ना करें। और जो सेकेंड थिंग है, आप लोग उसमें जैसे मैथ्स है, रीजनिंग है और ड्राइवर पार्ट है, इन सब के क्वेश्चंस आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन रीजनिंग में कोई चेंजमेंट ऐसा नहीं होता है, जो चीज़ है वो चीज़ है। ठीक है, आप लोगों को केवल रीजनिंग में प्रैक्टिस की ज़रूरत है, कि जितनी ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आप लोग रीजनिंग में एडवांस बनेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं रीजनिंग। आप लोग अगर आप लोगों ने वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके रीजनिंग के क्वेश्चंस देख लिए हैं, तो आप लोगों को ज़रूरत है प्रैक्टिस करने की। ठीक है, आप लोग किसी भी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर बुक नहीं है आप लोगों के पास, तो आप मॉडल पेपर लेकर आइए, डेली प्लेस ड्राइवर के लिए काफ़ी सारे अवेलेबल है मार्केट में, आप वहाँ से लेकर आइए और डेली मॉक टेस्ट दीजिए, वहीं से क्वेश्चन कर लेंगे, आप लोगों का काफ़ी सारा कवर हो जाएगा। क्योंकि वहाँ पर मिक्स क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है कि आप लोग एक्चुअली जब हम लोग बुक में से पढ़ते हैं तो पहले एक टॉपिक होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, वो हम लोग इजीली थोड़ा कर लेते हैं, लेकिन जब मिक्स में क्वेश्चन आते हैं तो हमारा माइंडसेट जैसे डायरेक्शन वाले क्वेश्चन आए तो डायरेक्शन पर है। ठीक है, रहता है। और अगर उसके बाद कोई संख्या वाला क्वेश्चन आ जाता है तो हम थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट इसमें रीजनिंग में बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो आप लोग प्रैक्टिस ही करेंगे। ठीक है, रीजनिंग के लिए आप लोग प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा आपकी स्पीड बढ़ेगी और आपका लेवल माइंड का हाई होगा फॉर रीजनिंग। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं मैथ्स पे। मैथ्स में बेसिकली ये होगा कि काफ़ी सारे लोग सोचेंगे कि हम मैथ्स को छोड़ के चले जाते हैं, बाकी 90 नंबर हैं जो वो कवर कर लेंगे हम लोग इधर से, और इसी तरीके से फिर रह जाता है जीएस को भी छोड़ देते हैं, फिर रह जाता है रीजनिंग, और जो 50 नंबर का है उसमें से सोचते हैं कि कवर कर लेंगे और मेरिट बन जाएंगे। मेरिट बहुत ज़्यादा, जब मेरिट बनती है तो पॉइंट से बच्चे बाहर होते हैं। मेरे पास कमेंट्स हैं, मैंने स्क्रीनशॉट ले रखे हैं, मैं आपको दिखा भी दूंगी कि 0.00 समथिंग कुछ नंबर से बच्चे रहे हैं, तो बहुत बहुत ज़्यादा दुख होता है। ठीक है, और यही चीज़ आप लोगों के साथ ना हो तो इसके लिए आप लोग किसी भी चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकते, छोटी से छोटी चीज़ आप लोगों को पढ़नी है। ठीक है, अब 10 नंबर है, 10 नंबर को मैथ्स में ये सोचेंगे सब लोग कि हमें स्टार्टिंग से सब कुछ पढ़ना पड़ेगा और इसके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, कोई इतनी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। मैथ्स आप लोगों की, अगर आप लोगों को बेसिक मैथ्स आता है तो बस केवल आपको उसका रिविज़न ही तो करना है, प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को। उसको प्रैक्टिस करने के लिए आप मॉक टेस्ट दीजिए, मैंने आपको बताया मॉडल पेपर मिलते हैं मार्केट में, आप लोग वहाँ से लेकर आइए, आपको पता लगेगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए मैथ्स के, उसके अकॉर्डिंग उस पेज पे आप लोग मैथ्स करिए ना, आपको पूरा मैथ्स एडवांस लेवल का मैथ्स करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक जो मैथ्स होता है जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो मोस्टली अर्थमेटिक जो मैथ्स होता है वो मोस्टली पूछा जाता है मैक्सिमम एग्जाम में, तो आप लोगों को वो ही करने की ज़रूरत है। ठीक है, उसकी जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप लोग उतने ज़्यादा आपका लेवल एडवांस होगा, स्पीड बढ़ेगी और आप लोगों को मैथ्स के लिए कॉन्फिडेंस भी आएगा। ठीक है, और कॉन्फिडेंस अगर आएगा तो आप लोगों को पूरा पेपर आपका पॉजिटिव जाएगा। अगर आप लोग एक चीज़ को भी छोड़ देंगे तो पेपर में बैठने से पहले आप लोगों को नेगेटिव थिंकिंग आएगी, सो आप लोग ये चीज़ बिल्कुल ना छोड़िएगा कोई सी भी चीज़। सो मैथ्स आप लोग मॉक टेस्ट दे सकते हैं या फिर जो ऑफलाइन मॉडल पेपर मिलते हैं आप लोग वहाँ से लाइए और मैथ्स को डेली सॉल्व करिए, और जो क्वेश्चन नहीं आता है आप लोग उस पर मार्क करके यूट्यूब से वीडियो देख सकते हैं, काफ़ी सारे मिल जाएगी आपको टॉपिक वाइज और उसकी ट्रिक्स भी मिल जाएगी। बाकी मैंने वीडियो बना रखी है मैथ्स के लिए, किस तरीके से आपको पर्सनली मैथ्स सॉल्व कर सकते हैं,
ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं हमारा जो ड्राइवर पार्ट है वो 50 नंबर का है। वो तो आपको मार्केट में कोई सी भी बुक होगी उसके लिए आप वो लेकर आइए, ऐसे बहुत सारी बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, एक बुक लेकर आइए उसी को बार बार रिवाइज करिए, उसमें जो है उसमें तो सॉल्व करने की कोई मैटर नहीं है, आप उसमें कोई भी बुक लेकर आ सकते हैं जो आप लोगों को जिसकी लैंग्वेज ईजी लगे, आप लोग एक बार देख कर फिर लेकर आना। और जो कोर्स वगैरह लेने की उसके लिए ज़रूरत नहीं है अलग से, ऑनलाइन आप बाहर से बुक लेकर आइए और उसको अच्छे से तरीके से पढ़िए, जो आप लोगों को लगता है ये इंपॉर्टेंट हो सकता है उसको अंडरलाइन करिए, हाईलाइट करिए, फिर हाईलाइट करने के बाद उसको वापस रिवाइज करिए, अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है कि आप लोगों को रजिस्टर लेकर आकर नोट्स बना रहे हैं वो क्वेश्चन नोट डाउन करिए, उसमें टाइम आपका लोगों का वेस्ट हो सकता है। आप लोग आपकी बुक को ही नोट्स बनाने की कोशिश करें, नोट्स इस तरीके से बनता है, आप लोगों को पूरा मटेरियल पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, एक एक वर्ड हमें लगता है खुद लग जाता है हमें कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है तो आप लोग उस पर हाईलाइट करिए, उसको इंपॉर्टेंट लिखिए, उसी तरीके से नोट्स बन जाते हैं आपके, बुक के अंदर ही नोट्स बनाना सीखिए क्योंकि टाइम का बहुत ज़्यादा मैटर रहता है कॉम्पिटिशन एग्जाम में। टाइम मैनेजमेंट के लिए हम ऐसा नहीं है कि नोट डाउन कर सकते हैं, वो पहले होती थी चीज़ें, अभी हम लोगों को उसमें नोट्स बनाने की ज़रूरत है और फिर जब नेक्स्ट टाइम हम वापस उसको खोलेंगे तो बस डायरेक्टली वो हाईलाइट वाला पार्ट पढ़ना है हमें, वो याद हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों का जो मैथ्स का ड्राइवर वाला पार्ट है 50 नंबर का वो कंप्लीट हो जाएगा। ये था फुल प्लान आप लोगों का डेली प्लेस ड्राइवर के लिए, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स थे मैंने सोचा कि एक पर्सनल वीडियो इन लोगों के लिए बना देती हूँ। और अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप लोग लाइक भी कर सकते हैं वीडियो को, और इसके रिगार्डिंग आप लोगों को और भी कुछ क्वेश्चन रह गए हैं ये मैं बताना भूल गई हूँ तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं, और आप लोगों को नई वीडियो किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए वो भी आप लोग बता सकते हैं। और मैं एक वीडियो पर्सनली जो मेरे कमेंट्स आते हैं कि ट्रेनिंग किस तरीके से चल रही है और क्या क्या आपने तैयारी की, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे मोटिवेशन मानते हैं और मैं उन लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ और काफ़ी सारे लोग सपोर्ट भी करते हैं। मैं एक बार कमेंट्स की आप लोगों को सबके कमेंट्स की एक अलग से रिप्लाई कर दूंगी उनका वीडियो के थ्रू। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी।